अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज सुबह सुबह का वक्त है, 7:30 बज रहे हैं। मैं सफ़र के लिए निकला हूँ, मैं जा रहा था झेलम, तो मैंने सोचा कि आप सबको भी अपने साथ लेके जाऊँ। तो अभी अभी घर से निकला हूँ, बस रास्ते में हूँ, तो कुछ मामला थे तो उनके हवाले से मैं झेलम जा रहा था, तो मैंने सोचा चलो साथ आपको भी लेके जाऊँ। लास्ट के व्लॉग्स में आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी इसी तरह सपोर्ट कर रहे हैं और करते भी रहे, जज़ाकअल्लाह। अल्लाह ताला आपको उसका जज़ाए खैर अता करें। तो बहुत सारे प्यार की और बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत है, माशाल्लाह आप सब इतना सारा मुझे प्यार दे रहे हैं और मेरे व्लॉग्स को इतना पसंद कर रहे हैं। इसी तरह मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने में मेरी सपोर्ट करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी आप सब लोग ओवरसीज़ और पाकिस्तान में जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं और सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो रास्ते में जाते जाते आपको भी साथ लेके जा रहा हूँ और साथ में आपको दिखाएंगे कि हम किस किस जगह रुके हैं, कहाँ कहाँ स्टे किया है और रास्ते में क्या कुछ नई चीज़ें देखने को मिली हैं। फिर आपको झेलम लेके जाएंगे, जो वहाँ के भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको दिखाएंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि मेरा ये व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आएगा। तब तक कल के लिए बने रहे हमारे साथ, नेक्स्ट आपको आगे लेके चलते हैं। जी व्यूअर्स, इस टाइम मैं मौजूद हूँ जड़ी का व्यू पॉइंट पे। आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड पे कि यहाँ पे ये दो बोट्स खड़ी हुई हैं, जिधर से जो भी कोई विजिटर आते हैं ये नीचे जाने का रास्ता भी बना हुआ है, तो उनको नीचे लेके जाते हैं, विज़िट करवाते हैं, वहाँ से एक राउंड लगवाते हैं माशाल्लाह से। और ये पानी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इस टाइम आ चुका है, और ये इतनी जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर कभी पानी नहीं आया था, ये सीढ़ियों पर उतरते सारी पानी है, तो बहुत ज़्यादा इस दफ़ा पानी की सतह बुलंद हुई हुई है। तो अभी जड़ी का व्यू पॉइंट से हम निकलते हुए आगे झेलम की तरफ जाएंगे, तो रास्ते में जहाँ जहाँ रुकेंगे आपको साथ साथ विज़िट करवाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह मौसम आज थोड़ा बेहतर है, धूप निकली हुई है, लेकिन इस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। जी व्यूअर्स, ये आप चेक कर सकते हैं 7-स्टार फॉल्ट प्लांट, ठीक है। ये देखें कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ही है। एक दो क्लिक्स भी लिए हैं, वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूँगा। जी व्यूअर्स, सबसे पहले तो ये मज़े मज़े के फ्लावर्स देखें, उसके बाद ये व्यू पॉइंट चेक करें ज़रा, ये जातला का कितने मज़े का पानी आ रहा है और पानी का शोर भी आपको आ रहा होगा। तो देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह ये व्यू है और पानी कितनी स्पीडों से आ रहा है और कितना साफ पानी है। अल्हम्दुलिल्लाह के आपके साथ ये मोमेंट शेयर करने का मुझे मौका मिला है। मेरे कैमरा मैन आपको दिखा रहे होंगे तो कितना ज़बरदस्त एरिया है, और ये देख सकते हैं कि कितने तेज़ी से पानी चल रहा है। आसपास दरख्त लगे हैं और यहाँ पे इस टाइम मैं मौजूद हूँ, और यकीन करें कि इतना मज़े का पानी का आवाज़ आ रहा है, आपको भी शायद वीडियो में आ रहा होगा। और व्यू भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, और यहाँ से पानी आगे सारा पाकिस्तान वाली साइड भी जाता है, जो फसलें हैं वगैरह उनकी वो ग्रोथ करने में ये पानी बहुत ज़्यादा ये अहमियत रखता है। और पानी का आप स्पीड और चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई चीज़ फेंकें ना तो वो गायब हो जाएगी, आपको मिलेगी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे बहुत खुशी है कि ये मोमेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये बहुत ही मज़े का व्यू पॉइंट है और बहुत अच्छी जगह है माशाल्लाह से। मैं अब एक दो चार क्लिक्स भी लूँगा, यहाँ पे बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा। जी व्यूअर्स, अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह झेलम एंट्री कर चुके हैं, ये झेलम का साइन बोर्ड लगा हुआ है, तो अब आगे आपको हम झेलम का व्यू सिटी का विजिट करवाते हैं। ये झेलम की KFC है, फार्मा है स्पेशली ओवरसीज व्यूअर्स, ये आप देख लें, ये झेलम की KFC है। इसराइल अलमगीर वाली साइड से है तो ये रास्ते में सबसे पहले ये KFC आती है, और ये जो वॉल जो आपको नज़र आ रही है ये कैंट का एरिया है, झेलम कैंट का, आर्मी वालों का एरिया, ये उन्हीं के अंडर है सारा। यहाँ पे ये CMH हॉस्पिटल भी बना हुआ है, और ये मेन इसको कैंट चौक कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। बाकी आपको आगे झेलम सिटी का व्यू करवाते हैं आज। जी व्यूअर्स, इस टाइम अभी हम ये जा रहे हैं ज़्यादा जो है, यहाँ पे एक स्टॉप है झेलम का, जहाँ पे टोटली हॉस्पिटल्स की लाइन है, ये DHQ हॉस्पिटल भी यहीं पे है और प्राइवेट क्लिनिक्स जितने भी हैं डॉक्टर्स के इसी रोड पे ही हैं। और अब ये इस रोड पे हम जा रहे हैं, ये ज़्यादा स्टॉप से निकल के हम आगे आए हैं, ये अब आगे बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। और ये राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जितना भी है ना, ये आर्मी वालों के एरिया, ये उनके अंडर है, राइट साइड भी जितनी भी ये बिल्डिंग्स बनी हुई है। जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया है,
बस थोड़ा बहुत आपको विज़िट करवाया। असल में आगे भी आपको लेके जाना था बाज़ार की तरफ, बाज़ार का भी विज़िट करवाना था। वो कोई शियों का आज कोई जुलूस निकला हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने वो रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, और मेरे भी जो एक दो काम थे बाज़ार में वो भी नहीं हो सके, तो इस वजह से अब वापसी हो रही है हमारी। अब आगे नेक्स्ट के व्लॉग में आपको मंगला का विज़िट करवाएंगे, और जिस तरह मेरी आपके साथ लास्ट टाइम व्लॉग में बात हुई थी कि मैंने आपको बोला था कि आसवा भुट्टो पार्क का विज़िट करवाएंगे आपको, मंगला से होते हुए आसवा भुट्टो पार्क लेके जाएंगे आपको, वहाँ का व्यू पॉइंट भी चेक करवाएंगे, क्योंकि जड़ी का व्यू पॉइंट आपको चेक करवा चुका हूँ, अब आसवा भुट्टो पार्क का व्यू पॉइंट आपको दिखाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट के व्लॉग में आपको वो चेक करवाएंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि मेरा ये छोटा सा व्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा। इसी तरह अपने भाई को प्यार सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको फिर मिलेंगे। फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें।